जी नाजरीन वालेकुम तीन अहम ख़बरों पर आपसे बात करनी है एक तो शहबाज़ शरीफ साहब को बैन अवी तौर पर एक बहुत बड़ा एजाज़ मिला एक ऐसा एजाज जिसके इमरान ख़ान साहब हमेशा से मतमनी और दाई रहे लेकिन दुनिया ने उन्हें मुंह नहीं लगाया और इसका ये जो एजाज़ मिला है उन्हें इसका पाकिस्तानी सियासत से पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका इंटरनेशनल ताल्लुक है और शहबाज श्री साहब खुशकस्मत आदमी हैं कि उन्हें ये एजाज़ मिला है पाकिस्तान के लिए बड़ी इज्जत की बात है और वो नायब सदर होंगे जो अकवा मुत की एक कॉन्फ्रेंस होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 27 सेवन यानी सत्ताईसवा इजलास जो है मुमालिक का जो क्लाइमेट के हवाले से तश्वीश के शिकार हैं या उसके हवाले से कंसर्न है उसके सत्ताईसवें इजलास की नायब सदारत जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हिस्से में आई है और ये इजिप्ट में हो रहा है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इसको कहा जाता है और इसकी सदारत इजिप्ट कर रहा है और एक सौ पचानवे ममालिक में से शहबाज़ शरीफ साहब को नायब सदारत मिली जाहिर है पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है लेकिन आ, कुछ अर्सा कबल आप एक फितना पर्दास शख्स की कहानी सुनते थे और वो कहते थे कि मेरे से बड़ा इन्वामेंटलिस्ट कौन है मैंने बिलियन ट्री सुनामी लगाया और पता नहीं क्या किया इस तरह की कहानियाँ उन्होंने बहुत सुनाई लेकिन पाकिस्तान में तो वो मसाला सेलेबल था इंटरनेशनली किसी ने उसको घास नहीं डाली क्योंकि दुनिया को पता है इमरान ख़ान साहब ने बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर क्या कुछ किया हम नहीं कह सकते थे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी और तो वो जनाब खान साहब के आ, को वो एजाज़ नहीं मिला वो हमेशा से अपने आप को सबसे बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट कहते थे माहिर माहौलियात लेकिन कुछ उनके साथ ऐसा नसीब नहीं हुआ ये शहबाज शरीफ का नसीब था तो उन्हें बहुत बड़ा एजाज़ मिला इसके हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे दूसरी बात ये है खान साहब एक तरफ तो धरने का प्लान बना रहे हैं और बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे हैं जो और उनकी मेन स्ट्रेंथ के पी के है के के में जो है वहाँ से वो कह रहे हैं कि लोग लाएंगे लेकिन के के की अपनी सूरत हाल क्या है के के में इस वक्त तीन तरह के एहतजाज हो रहे हैं पहला एहतजाज जो है वो हो रहा है आ, का जिनको पिछले दिनों डंडे मारे गए टीयर गैसिंग की गई और आठ से बारह लोग जख्मी भी हुए पुलिस वाले भी जख्मी हुए दोनों तरफ से पथराव हुआ तो एक तो वो एहतजाज कर रहे हैं जिना पार्क में वो बैठे हुए हैं दूसरा एहताज हो रहा है लेडी हेल्थ वर्कर नर्सेस उनके अपने मुतालबात हैं तनख्वाओं के हवाले से जॉब डूरेशन के हवाले से जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के हवाले से वो एकदा धरना देकर बैठे हुए हैं खुतिन तीसरा एहताज जो, जो जोर पकड़ रहा है जो जिसमें आगे आ, जो है एग्रेशन की भी इम्कान नज़र आते हैं और वायलेंस के भी इम्कान नजर आते हैं वो है यंग डॉक्टर्स की जानेब खान साहब ने हमेशा पीटीआई ने यंग डॉक्टर्स को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया लेकिन ये कानून कुदरत है कि जो भी जो गढ़ा आप दूसरों के लिए खोदते हैं अल्टीमेटली उसमें खुद गिरते हैं यंग डॉक्टर्स का जो के पी के में एहत है वो बड़ा रीज़नेबल है और उनकी जो डिमांड्स हैं वो बड़ी जस्ट हैं बड़ी मुनसिफाना डिमांड्स हैं उनके साथ जो कुछ किया गया उनके प्रेजिडेंट के साथ आ, वो मैं आपको तफसील बताऊंगा कि वो क्यों एहताज कर रहे हैं और तीसरी बात जिस पे हमने बात करनी है वो ये है कि जन बाजवा की एक तकरीर हमने आ, सुनी थी और वो पासिंग आउट पेड से ख़ताब करते हुए उन्होंने चंद इबाम में जुमले कहे थे और उसने आ, उसके उससे हमें ये नहीं पता चल रहा था कि मुखातिब कौन है और उन्होंने यही कहा था जी कि ये जो है मुल्क ये जो है तौर पर और माशी तौर पर मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाले करने की इजाजत नहीं दी जाएगी चाहे ये कोई फर्द हो ग्रोह हो या कोई मुल्क हो तो जो सीनियर लेवल पे लोग होते हैं वो इमरान खान की तरह तो बात नहीं करते वो इसी तरह इबहम में बात कर देते हैं कि जी ये ये चीज़ें और मेन उसमें बात यही थी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी uh, नहीं क्रिएट करने दी जाएगी किसी को और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं करने दी जाएगी अच्छा हर इदारे में हर ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है और ये पाकिस्तान में जरा ज्यादा कल्चर है दुनिया में भी होता होगा वो ये है कि जब ऊपर से कोई शख्स कोई हल्की सी बात करता है नहीं यार ये मजा नहीं आया अच्छा फिर जो नीचे वाला स्टाफ होता है ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो इस बात को कि मजा नहीं आया वो उस चीज की धज्जियां उड़ा देते क्योंकि उन्हें अंदाजा होता है शाइबा होता है शुबा होता है कि उनका बॉस जो है इस चीज के हवाले से खुश नहीं है या हमने बहुत सारी मीटिंग्स में देखा है मैं थोड़ा सा आपको मीटिंग्स के हवाले से बात कर दूँ कि जिसमें कोई सेक्रेटरी या कोई मिनिस्टर बैठा हुआ है अच्छा जो आप उन्हें कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कोई आइडिया लेके गए हैं कोई बजट अप्रूव कराने के लिए लेके पाकिस्तानी कल्चर ऐसा है कि लोग जो प्रेजेंटेशन का या जो कुछ पेश किया जा रहा है उसका कंटेंट कम देखते हैं कि वो आदमी क्या बात कर रहा है लोगों की ज़्यादातर तवज्जो होती है कि जो टॉप ऑफ द टेबल पर जो शख्स बैठा है उसका उस प्रेजेंटेशन पर उस सवाल पर उस गुफ्तु पर उस बजट पर क्या रिएक्शन है अगर वो और वो जो टॉप पे जो शख्स होता है वो ही बात करता है अमूमन क्योंकि उसे पता होता है कि बाकी पार्टियां जो हैं मामला संभाल लेंगी फ़र्ज़ कीजिए कि वो कहता है कि अच्छी बहुत अच्छी बात है अच्छा बस ये कहने की देर होती है तो जो पंद्रह बीस हमारी होते हैं वो तो क्यामती मचा देते हैं जमीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं कि यार इससे अच्छी बात नहीं हो सकती और फर्ज कीजिए कि किसी प्रेज़ेंटेशन के बारे में किसी बजट के बारे में वो ये कह देता है कि नहीं यार ये कुछ ठीक नहीं लगता अब वो जो बारह पंद्रह हवारी बैठे होते हैं जो जरा ग्रेड में कम अफसरान होंगे या पॉलिटिशियन होंगे या ब्यूरोक्रेट्स होंगे या बिजनेसमैन होंगे जब वो ये सुनते हैं कि नहीं 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 ये ठीक नहीं हुआ तो फिर वो उसकी धजियां उड़ाना शुरू कर देते हैं और फिर वो उसको नहीं बचते उनका ध्यान वो जो कुछ कहा जा रहा है जो प्रेजेंट किया जा रहा है बदकिस्मती से उसके ऊपर नहीं होता उनका सारा ध्यान ये होता है कि जो टॉप पे इंसान बैठा है जो प्रेजेंटेशन ले रहा है वो कैसे रिएक्ट करता है ये बड़ी गुलामाना सोच है लेकिन है हमारे माशरे में और सिर्फ हमारे माशरे में नहीं सारी दुनिया में ये है कि जो टॉप पे शख्स बैठा होता है उसको लोग प्लीज करने के लिए मुख्तफ तरह के हीले बहाने तलाश करते हैं ये सारी मिसाल मैंने आपको इसलिए दी कि अभी आर्मी चीफ साहब ने वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वो पासिंग आउट रेट से खिताब करते हुए दो तीन बातें की यंग लोगों से मुखातिब हुए उन्हें कहा कि भाई प्रोपेगेंडा फेक न्यूज पे ज्यादा ध्यान न दें दूसरी बात यह है कि उन्होंने यह भी कहा कि भाई आ, माशी अदम इसकाम और सियासी अदम इस्तेकाम की इजाजत नहीं दी जाएगी अब वो तो कह के चले गए अब काम जो है बाकी पार्टियों के हवाले हो गया और बाकी पार्टियां अलहमदिल्ला सारी पार्टियाँ उनकी हैं उसमें एजेंसियाँ भी आती होंगी नीचे रैंक के लोग भी आते होंगे उसमें मीडिया भी आता होगा उसमें शायद कहीं कहीं अदलिया भी आती हो और तो उन सबको एक मैसेज मिल गया कि जो मर्ज़ी करें दो चीज़ों का असूल बना लें कि भाई मुल्क अदम इस्तकाम की माशी और सियासी अदम इस्तकाम की इजाज़त नहीं की अब जब ये असूल वजह हो गया है ऊपर से कमांड आ गई है तो फिर आप देखिए कि उसके हवाले से आ, हमें कई जगह से खबरें जो उन्होंने बयान दिया था उससे उसको दस से मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा है कि जनाब किसी तरह का अदम इस्तेकाम नहीं पैदा करना दिया है डरने वालों की ऐसी की तैसी और ये जो है अदालतों को भी मैसेज चला गया नैब को भी मैसेज चला गया और इमरान खान को भी मैसेज चला गया बाकी सियासी जमातों को भी क्लियर हो गया कि भाई ये हमारी रेड लाइन है इस रेड लाइन से क्रॉस नहीं करना तो अब जहन में रखें कि वो जो इस मैसेज के बाद जो दस पंद्रह हवारी हैं उन्होंने हर उस शख्स के साथ हर उस जमात के साथ हर उस इदारे के साथ करना क्या है जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा और वो जो कुछ करेंगे वो जो पहला मैसेज था उससे दस से मल्टीप्लाई करके करेंगे क्योंकि वो बॉस बा, को प्लीज़ करने की कोशिश करेंगे और ये हर ये मतलब मैं में बहुत अनहोनी बात नहीं हो रही ये हमेशा से होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है चाहे वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है मीडिया हाउस है, है कोई एजेंसी है कोई इदारा है पॉलिटिकल पार्टी है उसमें मतलब ये आपके ख्याल में जब नवाज़ शरीफ या आसिफ जरदारी या इमरान ख़ान अपने लोगों से मुखातिब होते होंगे तो वो भी यही देखते होंगे ना कि मियाँ साहब का मूड कैसा है मियाँ साहब खुश हैं उस मंदे से नहीं खुश होते होंगे तो सारे उसकी जो है ना नटाई बटा देते होंगे बकौल मियाँ साहब तो ये कल्चर है तो बहुत क्लियर कट मैसेज मिल रहा है और इस मैसेज के हवाले से आप आगे देखिएगा आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें मुतहरक हो जाएंगी मीडिया भी मुतहरक हो जाएगी नहीं 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 यार ये तो आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहे हैं अदालतें भी इस हवाले से कुछ ना कुछ करेंगी और कोई पता नहीं ख़ान साहब का जो धरना है उस हवाले से भी आ, कोई आ, फैसला फूसला आ जाए बहर ये तो आ, वो बात हो गई कि अब नीचे वाले लोग किस तरह काम करेंगे दूसरी बात के पी के इमरान ख़ान साहब का आ, सबसे मज़बूत इलाका है वहीं से वो धरना तख्लीक करते हैं वहीं से बंदे आते हैं जो भी पार्टी हुई जो भी जलसा हुआ उसमें के पी के से लोग ना आते तो इमरान खान की पजीराई इतनी ना नजर आती इमरान खान ने के पी के में जो जलसे भी किए सवाए पिशावर और चार के वो जलसे बड़े थे और आ, स्ट्रेंथ है लेकिन के पी के के अंदरूनी हालात इस वक्त जबकि एक तरफ धरने के लिए हलफ लिया जा रहा है और दूसरी तरफ के पी के के अंदरूनी हालात क्या हैं वहाँ पर जो लोग एहत कर रहे हैं वहाँ पर जो पुलिस तशद कर रही है वो बड़ा ही ज़ालमाना है उसमें तीन तरह के तबके इस वक्त सरापा एहतजाज बने हुए हैं पहला तबका आपने देखा कि वो प्राइमरी हेडमास्टर थे उन्हें उस दिन आज से पांच रोज पहले मारा गया पीटा गया टीयर गैसिंग की गई लाठी चार्ज किया गया इस में से जो इतलात हैं तकरीबन आठ से बारह अफराद जो हैं ज़ख्मी हुए इतना ही शायद पुलिस वाले ज़ख्मी हुए और इसका मतलब है कि वायलेंस दोनों तरफ से हुआ एग्रेसिव लोग हैं और वो बुरा मंद एहत की खातर नहीं है उनके मुतालबात ना माने गए तो फिर वो मजीद रिएक्ट करेंगे अच्छा मारपीट के बाद लोगों ने समझा कि ये ऐतजाज खत्म हो जाएगा लेकिन एहतजाज खत्म नहीं हुआ आज पांचवा रोज है वो दो ढाई हजार लोग जना पाक में उसी तरह आ, बैठे हुए हैं और ये वो इलाका है जहां दस साल से आ, के पी के के आ, में इमरान खान की हुकूमत है और इस इलाके से ही उन्होंने धरना निकालना है पहले अपने लोग तो संभाल लें फिर उसके बाद धरने की तरफ जाए दूसरा एक एहतजाज हो रहा है ख़वान का अच्छा के पी के जैसी जगह पे खातन का एहताज़ बड़ा बामानी है वो इसलिए कि वो ज़ाहिर है तंग आमद व आमद वाली बात है ना कि इस स्टेज तक वहाँ पे यूजअली ख़वान इस तरह के एहतजाज में हमने देखा कि नहीं आती हर इलाके का अपना कल्चर होता है और उस कल्चर का एहतराम करना चाहिए तो वो ख़ी तहंग आकर अब मैदान में आ गई हैं उन्होंने कहा भाई हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है तो वो भी अपने एहतजाज पे निकली हैं ये लेडी हेल्थ वर्कर नर्सेस और इनके मुतालबात वही पुराने हैं कि वो जनाब सैलरीज़ का जॉब सिक्योरिटी का और के पी के हुकूमत ने इस हवाले से कुछ नहीं किया कख नहीं किया और ये मामला दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं उनके तो ये भी इस वक्त एहतजाज पर निकले तीसरा एहताज बहुत दिलचस्प हो रहा है कि इमरान खान ने हमेशा यंग डॉक्टर्स को पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया वो याद होगा कि इन्होंने लाहौर में पीआईसी पे भी हमला कर दिया मरीजों के ऑक्सीजन मास्क छीन लिए मरीजों पे डंडे बरसाए वो इसलिए कि यंग डॉक्टर्स का आपस में कोई इख्तलाफ चलता रहता है और उनको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया वकला को और जो है यंग डॉक्टर्स को हमेशा इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया लेकिन अब सूरत हाल बहुत तब्दील हो गई है अब के पी के में यंग डॉक्टर सारे के सारे एहतजाज पर तुले हुए हैं और एहतजाज बड़ा लिटिटमेट है मैंने आपको बताया था कि मैं आपको उसकी वजह बताऊंगा एहतजाज क्या है एहताज ये है कि के पी के यंग डॉक्टर एसोसिएशन के एक प्रेजिडेंट थे जाहिर है वो भी यंग डॉक्टर होंगे वो जॉब करते थे लेडी रीडिंग हॉस्पिटल जो के पी के का सबसे पुराना हॉस्पिटल है वहाँ पर करप्शन जाहिर है खान साहब जहाँ होंगे करप्शन तो होगी और दबा के करप्शन होगी तो ये यंग बच्चे जो हैं ये उस तरह करप्शन से की तरफ मोटिवेटेड नहीं होते उनमें से ये जो प्रेसिडेंट थे यंग डॉक्टर वाले इन्होंने काफ़ी करप्शन के ख़िलाफ़ जो के लेडी लीडिंग हॉस्पिटल में हो रही थी इन्होंने ऐहतराज की आवाज़ बुलंद की जब ऐहत की आवाज़ बुलंद की तो बजाय इसके के उनके एहतजाज को सुना जाता और उस पर फौरी तौर पर एहतसाब का अमला शुरू हो जाता वो जो खान साहब कहते हैं अमीर के लिए इंसाफ और गरीब के लिए इंसाफ और वो वाली कहानी नहीं हुई बल्कि वो जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने करप्शन की निशानदेही की थी पशावर के सबसे पुराने और बड़े हॉस्पिटल में नतीजा ये निकला कि उन्हें नौकरी से फारग कर दिया गया अच्छा जब आ, इस तरह की तंजीमों के किसी भी अहदेदार के साथ आप कोई बुरा सलूक करेंगे तो वो एहतजाज पर होंगे ये ना सिर्फ अहदेदार थे बल्कि उस तंजीम के सदर थे और साथ साथ ये दुरुस्त बात कर रहे थे ये गलत बात नहीं कर रहे थे ये ये थोड़ी कह रहे थे कि करप्शन होनी चाहिए ये करप्शन रोकने की बात कर रहे थे तो वो करप्शन रुकी तो नहीं लेकिन उसके बाद उनको नौकरी से फारग कर दिया तो अब तीसरा एहताज के पी के में यंग डॉक्टर्स के हवाले से हो गया एक का एक लेडी हेल्थ वर्कर का और एक जो है अब यंग डॉक्टर्स के हवाले से ये उस सूबे की कहानी है जहाँ से लॉन्ग मार्च निकालने का इमरान खान साहब का ख़्वाब है जहाँ से उनको पोलिटिकल स्ट्रेंथ मिलती है ज़्यादा दिनों तक के 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 लोगों की कुछ खसूसियात हैं ज़्यादा है। देर तक उनको इंसाफ ना मिले तो वो एहतजाज करते हैं और वो एहताज जो है ज़रूरी नहीं कि बहुत पुरम उस उस इलाके के लोगों का एक ख़ास मिजाज है वो बहुत ज़्यादा ज्यादती बर्दाश्त नहीं करते ये उस इलाके का कल्चर है जो कि एक ऐसी क्वालिटी है जिसको एप्रीशेट करना चाहिए तो ये तीनों पार्टियाँ अगर ज़्यादा एहतजाज हो गया तो के पी के में आ, जो है खान साहब की अपनी हुकूमत डगमगाने लगेगी और वो धरना शरना भूल जाएँ क्योंकि वहाँ पर उनकी हुकूमत जो है पुलिस की मदद से जो मासूम लोगों पर टीयर गैसिंग और लाठीचार्ज कर रही है वो बड़ा बहीमाना है ये फिर इस्लाम आकर ये नहीं कह सकते कि देखें मासूम लोगों पर जो है वो टीयर गैस फेंकी गई और लाठियाँ मारी गईं पहले अपने लोगों पे तो लाठियां मारने और टीयर गैस फेंकने से लोगों को रोकें नहीं रोकेंगे तो फिर ये मामला ख़ान साहब के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे आखिर में वो बात कि शहबाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा एजाज़ मिला खान साहब हमेशा अपने आप को तारीख का सबसे बड़ा इन्वामेंटलिस्ट कहते रहे और बिलियन ट्री सुनामी और ट्रिलियन ट्री सुनामी इस तरह का और चंद पौधे चौधे लगा कर वहाँ से फारग हो गए पौधे चौधे कोई नहीं लगाए इन्होंने और सारे ड्रामे किए मीडिया की कंजम्पशन के लिए किया लेकिन आ, और पाकिस्तान में ये मसाला बेचते भी रहे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा इन्वामेंटलिस्ट हूँ तो पाकिस्तान में मीडिया की मजबूरी थी और लोग बेचारे क्या करते मीडिया फंसा हुआ था खान साहब के अहताब में तो लोगों ने ये बड़ा जो है प्रोपोगेट किया दुनिया को दुनिया पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडे को इस तरह नहीं देखती खान साहब की बड़ी कोशिश थी कि इंटरनेशनली उनकी चीज़ों को रिकगनाइज किया जाए किसी ने नहीं रिकगनाइज किया किसी ने नहीं, नहीं कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट है हाँ अलबत्ता ये जरूर कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फितना फैलाने वाला है तो अब जो एक यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रही है उसकी जो नायब सदारत है वो शहबाज शरीफ साहब को दे दी गई है ये बहुत बड़ा बैन अवी तौर पर एजाज़ है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सी ओ पी ट्वेंटी सेवंथ यह ट्वेंटी सेवन्थ उसका इजलास है और इसकी नायब सदारत जो है शहबाज शरीफ के पास पाकिस्तान के पास और सदारत इजिप्ट के पास आई है शहबाज शरीफ साहब का एनवायरमेंट में क्या रोल है आप ये बिल्कुल सवाल कर सकते हैं गुजशत दिनों जब पाकिस्तान में और अभी भी वो सूरत हाल है सैलाब आया तो जिस तरह शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का केस बैनी तौर पर एडवोकेट किया उसकी बड़ी आई हुई है और उन्होंने बड़े वाज तौर पर मुख्तलिफ फ़ोरम पर कहा कि ये भाई हमारा कसूर नहीं है हमने दुनिया में जो फजाई आलूगी पैदा नहीं की हमारा हिस्सा वन परसेंट होगा और आप सारा सारा पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ेगा मौसमियाती तब्दीलियाँ सैलाब जल्जले जो है बारिशें आंधी तूफान ये सब कुछ दुनिया की वजह से हो रहा है तो हमें अब कंपनसेट किया जाए हमें जो है ना हम दुनिया के जो है मुजरिम नहीं हैं हम तो मजलूम हैं हमारे ऊपर ये जुल्म किया गया है दुनिया की फजाई आलूगी ने तो जिस तरह पाकिस्तान का केस बैनवा तौर पर शहबाज शरीफ ने एडवोकेट किया उससे दुनिया भी कंसान और आपने देखा कौन कौन से लोग पाकिस्तान आ रहे हैं अकवा मुतहद के जो जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं वो आए हैं एंजलिना जोली हैं जो बाइडन ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाह का बड़ा जिक्र किया है इसमें बहुत ज़्यादा जिक्र करना चाहिए बिलावल भुट्टो का बहुत ज़्यादा किरदार है उन्होंने भी बैन अवी तौर तो पर पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं उनको प्रोपोगेट करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है तो ये सदारत जो नाइट सदारत है ये बेसिकली पाकिस्तान की कामयाबी है शहबाज शरीफ की कामयाबी है यह बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान की वजारत खारजा की कामयाबी है यह बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है फिर वक्त इतना ही फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज